आज दिन की शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि हम मिले पहले अपने प्यारे से पार्क से। ये हमारी ज़िंदगी में करीब कुछ 2-3 साल से है। धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, जैसे मोहब्बत ग्रो होती है ज़िंदगी में, ऐसे ही भी धीरे धीरे मोहब्बत के पानी से ग्रो हो रहा है और संग चल रहा है। रूम थोड़ा मैसी है जैसे कि मैं, पर इतना भी मैसी नहीं है। बाबू अभी सो के उठा है। आज ब्रेकफास्ट नहीं मिला है, डायरेक्ट लंच की तैयारी हो रही है। आज बहुत बड़े पतीले में खाना बन रहा है हमारे घर में, क्योंकि आज हमारे घर में आने वाले हैं गेस्ट। टाइम नहीं है खाना खाने का, तो हम मैंने सोचा जूस बना लूँ सबके लिए। तो मैं, पापा, मम्मी जूस पियेंगे इसका। ये हमारा गेस्ट रूम है। कपड़े धुलने डाले हैं तो सर्फ खत्म हो गया, जिसे रिफिल कर रही हूँ मैं। वैसे उस साइड जो कपड़े रखे हुए हैं वो आयरन करने के लिए रखे हुए हैं। हमारे इस्त्री वाले भैया गाँव गए हुए हैं। बाबू अभी दद्दू के पास है अपने, क्योंकि मैं अभी लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो वो अपने दादाजी के पास है। मैं मम्मी के लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। बीच में जो टाइम मिलता है मैं उसी टाइम में कपड़े धुलने लगा देती हूँ। यहाँ पे बहुत प्यारे गुलमोहर के ट्री में लाल लाल फ्लावर्स आए। अभी तो बहुत कम हो गए हैं, गिर गए फ्लावर्स, पर जब आए तो बहुत ब्यूटीफुल दिखते थे। पूरे सोसाइटी हो रखे हैं सामने से, ये हो रखा बहुत खूबसूरत दिखता है। ये लॉक हो गया था, स्टक हो जाता है कभी कभी कंपार्टमेंट, तो इसे खींचने में टाइम लगता है। सॉफ्ट के चक्कर में ऊपर गिर गया है। मम्मी ने कहा पहले एक सब्जी बना लो जो ब्रेकफास्ट में फिट करी। मैंने सोचा ये मसालों का खजाना, और ये है हल्दी मसाला। इसमें मैं कच्ची, ये जो फिर तुझे दिख रही है हल्दी, हमारे गांव से आई है। ये सारी हल्दी है ये गांव से। मसाला फ्राई हो गया है, सब्जी डाल के ढक देंगे। इसमें पानी नहीं डालना होता, बहुत धीरे धीरे होता है। और गर्मी बहुत ज़्यादा, तो मैंने मसालों की क्वांटिटी बहुत कम रखी है। उसको तो बहुत अच्छा है।
ताजा ताजा झींगा मच्छी। गुल्लू बोलेगा मैं नहीं हूँ तभी आया। और ये है इसमें रेहू मछली। अरे भाई नहीं 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 आप तो गले मिलोगे मेरे मौसी। घड़े अच्छे छोड़ दो सब छोड़ दो चलो। बोल तो नाम तो फिर इतने जोर पेन किलर खा रहे बिंदु। एक बात बोलो, इसमें जो झींगा है झींगा निकाल के इसी में मसाला भून दूंगी, ठीक है? और आलू दूसरा कढ़ाई में भून दूंगी जिसमें दूसरा मछली भूनूंगी, या फिर आलू ना डालू छोड़ दो ऐसे ही। आलू डालना पड़ेगा ना। मम्मी थोड़ा सा पानी डालो उसको। बड़ा वाला हाँ इतना ठीक है पानी ना।
ये मच्छी अच्छा बनाई है मम्मी आज तो। सूख गया वो तो। मैं मम्मी बता मेरे दिल में हो रहा था कि ना मेहंदी लगाऊंगी, वीडियो शूट करना है, मेहंदी लगाना है, मेरे दिल में आ रहा था ये बात। कल कि वीडियो में बैठ के सब बात करेंगे और फिर मेहंदी, मेरे दिल में आ रहा था कि बोलूंगी मेहंदी लाना है। तेल तेल महक रहा है। देखिए तो मम्मी और पतला करना है इसको, मैंने पानी नहीं डाला। आज हमारे घर में मम्मी के साइड से गेस्ट आए हुए हैं और मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ। सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ, आप मेरी क्या लगोगी? ननद लगेंगी। ये है मानसी। जय जगन्नाथ। अब बताइए आप क्या क्या लेके आई हैं? बहुत कुछ लेके आई हैं गांव से ये, और इतनी सारी चीज़ें हैं जिसका नाम भी मुझे नहीं पता, देखा भी नहीं है हमने कभी। अब दिखाती हूँ। ये क्या है मानसी जी? माटी आलू। और ये तो हमारा फेमस है श्रीफल जिसे बोलते हैं हम। कभी भी कहीं भी उड़ीसा में जाइए ये आपको मिलेगा ही मिलेगा जब भी आएगा। ये है नारियल। और मम्मी ये इमली तेतुल खट्टा। और ये है सच में मानसी आपका चूड़ी बहुत प्यारा है। मूंग दाल अरे वाह, ये हम लोग के गांव में होता है, खुद से ये उगाया गया है, ऑर्गेनिक बोलेंगे इसे हम। ये हाँ ये बिना ये साबुत मूंग है और ये स्प्लिट है, ये भी घर में हमने किया है स्प्लिट ना। ये वाला चावल है ना मम्मी? वो चावल बोल रहा है इडली चावल नहीं, ये मीठा चावल है, खीर वाला। खीर वाला नहीं, उसको बोल रहा है खीरी वाला। खीरी वाला का जीरा, इसका सुगंध बहुत अच्छा होता है। ये भी घर से ही उगाया गया है। चना नहीं, चना दाल। ये देसी चना दाल है, मम्मी को सब पता है। ये मूंग का दाल है, ये मूंग ये भजा हुआ मूंग दाल है, इसमें से छिलका हटाया हुआ है। इसका हलवा भी बहुत अच्छा बनता है। इतनी सारी चीजें आई, और भी चीजें जो हमने अभी तक कैप्चर ही नहीं किया है। स्वीट्स में बहुत सारा स्वीट है, छेड़ना पड़ा ना। अरे वाह, ये दाल मेरे को बहुत पसंद है, भैया को भी आपके बहुत पसंद है। ओ, मसूर दाल। काटी
सब कुछ आप इतना सारा सामान लेके आए हो। ये वो वाला उड़द दाल। हाँ इसे उड़ी से हम बिरी दाल बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, इडली बनाते हैं। ये उड़ीसा का फेमस छेना पोड़ा, इतना बड़ा है। ये बाबू के लिए आया है और ये मेरे लिए आया है। कितना प्यारा सा चूड़ी है। मेरे ननिहाल से आया, बाबू के लिए काजल आया है, ढेर सारा टॉय आया है और ये ढेर सारे कपड़े आए हैं। और भी कपड़े रखे हुए, अंदर रख दिया है। ये कितना